बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे यान के अंदर किरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे परेशान चांद रही बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 अरे छात्र तो का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, अरे छात्र तो का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, अरे यान के अंदर किरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्रोफेसर साहब लेना देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे छात्र तो का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 अरे कभी करते हो फेल तो कभी करते पास, कभी करते हो फेल तो कभी करते हो पास, अरे कब कब बंद करोगे ये महफिल का तुम, ये कब करोगे बंद महफिल का सुहागा, कभी करते हो बंद कभी कभी करते हो फैल कभी करते हो पास, अत्याचार फैलायो भ्रष्टाचार फैलायो, नौजवानों को लूटने का छात्रों को लूटने का इससे अच्छा तरीका हमने पूरे बुंदेलखंड में नहीं देखा है, कुल एक बार नहीं दो दो बार, कभी 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 करते हो फैल तो कभी करते हो पास, देखिए ये सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने अपनी गलती मानते हुए मात्र दो दिन में सभी बच्चों को कम से कम दो सब्जेक्ट और उसके बाद सभी वैकल्पिक परीक्षाओं में पास करने का पूर्णतः आश्वासन दिया था। आज स्थिति ये है कि कल तक कुछ बच्चे जो पास थे वो आज वापस से फेल कर दिए गए हैं, और इन्होंने जो वादा किया था जिन दो विषयों में इन्होंने अपनी गलती मानी थी, आज भी उन दो विषयों में इन्होंने अपनी गलती को सुधारा नहीं है, उल्टा कई छात्रों के नंबर इन्होंने कम कर लिए हैं। अगर यह मान रहे हैं कि इनसे गलती हुई है, इनके परीक्षा प्रणाली में अगर दिक्कत है, इनके मूल्यांकन प्रणाली में अगर दिक्कत है, तो ऐसे संबंध में हाई कोर्ट का भी आदेश है कि सभी छात्र छात्राओं को एक समान अवसर देते हुए सभी का हित देखा जाएगा और सभी को पास किया जाएगा। और आज जो इस संख्या को आप देख रहे हैं, ये कुछ गिनी चुनी संख्या है जो आज भी आ सकी है छुट्टी होने के बावजूद, कल भी छुट्टी है, हम आज शाम तक इस पूरी कमियों को दुरुस्त कर सभी छात्र छात्राओं के पास होने की मांग करते हैं। मैंने इतनी देर तक बाहर नहीं बैठेंगी, घर से बाहर नहीं निकल सकती। आशीष जी, इतनी भारी संख्या के साथ आज आप यहाँ बैठे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, पहली बात तो कुछ विद्यार्थियों को, बीकॉम के विद्यार्थी हैं यहाँ फाइनल ईयर के, उनको पहले पास कर दिया जाता था और अब फिर फेल कर दिया गया है। कुछ विद्यार्थियों को पहले फेल कर दिया गया है, अब पास कर दिया जाता है। एक मामला हम आपको बताएंगे कि चार विषय के पेपर हुए, दो विषय के पेपर नहीं हुए। ये देखिए विद्यार्थियों को 30, 12, 12, 25, इसको 19-19 मिले जो दो विषय में इसके पेपर नहीं हुए। ये देखिए 30, 12, 12, 25, इसमें 20-20 कर दिए गए, इसका क्या मतलब है? और एक मामला देखिए, इसमें 23, 28, 25, 22, 24, 24, सेम इसी के देखिए आप कि 23, 28, 25, 22, 25, 25, ये मामला चल क्या रहा है? विश्वविद्यालय जो है विद्यार्थियों के भविष्य के लिए बनाया जाता है, हमें तो लगता है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। समाजवादी छात्र सभा और सभी संगठन यहाँ पर एकत्रित होकर विश्वविद्यालय को मांग करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाए। ये देखिए, मेरा पहला रिजल्ट जिसमें मैं पास हूँ, दूसरा रिजल्ट मुझे फेल कर दिया है, और एक के 3 नंबर थे उसको 40 दे दिए हैं। वो जैसे पैसे बांटते हैं वैसे नंबर रख रहे हैं, जो जितना देगा उतना पास होगा। पारदर्शिता तो होना चाहिए, बिना मानक के साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। हम बच्चों के भविष्य के साथ समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, सभी बच्चों को बराबर एक मानक के अनुसार प्रोन्नत नहीं किया जाता, हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से नहीं जाएंगे। बच्चों की मांगें पूरी करनी चाहिए। दो घंटे में होश में आओ, छात्र तो का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर,
नियंत्रक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, परीक्षा नियंत्रक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, परीक्षा नियंत्रक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। अरे होश में तुमको आना होगा, परीक्षा नियंत्रक डूब मरो, अरे शर्म के मारे डूब मरो, परीक्षा नियंत्रक डूब मरो, अरे शर्म के मारे डूब मरो। छत्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।